और इंडिया पर आ रही इस वक्त 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ी खबर। आपको बता दें कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधित गड़बड़ घोटाले का मामला कोर्ट पहुंच गया है। इसको लेकर अब कौन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर बताएं, इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट कौन पहुंचा? देखिए निशांत, आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला धीरे धीरे कानूनी पेच में उलझता जा रहा है। जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में पिछले दिनों हाई कोर्ट की डबल बेंच से आदेश आया, जिसके क्रम में ये कहा गया कि आरक्षण का पालन नहीं किया गया, इसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका चयन हो गया, जो शिक्षक 4 साल से नौकरी कर रहे थे, वो अपोक स्थिति में आ गए। दूसरी तरफ जो लड़ाई लड़ रहे थे पिछले 4 सालों से कि आरक्षण का पालन नहीं हुआ है, वो ओबीसी के अभ्यर्थी हों या फिर दलित वर्ग के अभ्यर्थी हों, और उनमें उम्मीद जगी कि उन्हें अब कहीं ना कहीं वो जो वंचित रह गए थे आरक्षण पाने से, जिससे उन्हें नौकरी नहीं मिली, लिहाजा नौकरी अब वो पा सकेंगे। ऐसी उम्मीदों आशंकाओं के बीच आपको बता दें कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आपने देखा कि पिछले दिनों, आपको बता दें, सबसे पहले जो लोग चयनित नहीं हो सके थे और जिनका मानना था कि आरक्षण का पालन नहीं किया गया, उनकी ओर से एक कैवियट दाखिल की गई थी। ये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे जिनकी तरफ से कैवियट दाखिल हुई थी, और अब खबर ये आ रही है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका भी चयन नहीं हुआ था, उन लोगों की ओर से आज जो है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, और जिसमें सामान्य वर्ग के, अनारक्षित वर्ग के इन अभ्यर्थियों ने कहा है कि उनका चयन नहीं हो सका। उनका कहना है कि आरक्षण का लाभ TSC और ARTA जो एग्जाम होते हैं उनमें आरक्षित वर्ग के लोगों को मिल चुका है, लिहाजा नियमता, अब अगर नियमों की बात करें तो 2 लाभ इन्हें नहीं दिए जा सकते हैं, इसीलिए ये दाखिल की गई है याचिका सुप्रीम कोर्ट में। तो कुल मिलाकर ये कानूनी दांवपेच में मामला उलझता जा रहा है, और ये याचिका अगर बात करें तो जो जनरल वर्ग के अचयनित अभ्यर्थी हैं वो विनय पांडे और शिवम पांडे की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुई है, जिस वजह से अब ये माना जा रहा है कि कानूनी दांवपेच में ये पूरा मामला उलझता जा रहा है। ये बड़ी बात है और इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। दोनों वर्ग के जो चयनित हो चुके, जो 4 साल से जो शिक्षक के पद पर रहते हुए कार्य कर रहे थे, उनमें आशंकाएं इस बात की हैं कि अब क्या उनकी नौकरी जा सकती है। तो उनकी ओर से भी आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों काफी जोरदार धरना प्रदर्शन किए गए थे, और जो चयनित नहीं हो सके, जो जिनका कहना है कि आरक्षण उन्हें नहीं मिला, जिस वजह से उनका चयन नहीं हुआ, आरक्षण में घोटाला हुआ और हाईकोर्ट का भी फैसला इसी दिशा में आया था, तो ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि वो लोग भी आंदोलनरत हैं, तो लंबे समय से आंदोलन कर ही रहे हैं, और उनकी ओर से जो कैबिनेट दाखिल की गई थी, अब जनरल कैटेगरी की ओर से भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। तो कुल मिलाकर आगे क्या निर्णय आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। पिछले दिनों सबने देखा कि योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये मुसीबत भरा ये कदम था कि कैसे वो इसका निस्तारण करें, लिहाजा उनके ओर से कई कदम उठाए गए थे, और सरकार की ओर से ये भी कहा गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं जाएगी और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से ये भी संकेत दिए गए थे कि जो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं उनका हित नहीं होगा, तो ये कैसे रास्ता निकालेगी योगी सरकार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। विपक्षी दल भी इस मामले को लेकर हमलावर है सरकार पर। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब मामला कानूनी दांवपेच में उलझता जा रहा हो, खासकर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया हो, तो कैसे सरकार इसका निपटारा करेगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर अब दोनों पक्ष
यानी आरक्षित वर्ग के वो जो चयनित नहीं हो सके थे उनकी ओर से कैबिनेट दाखिल की गई थी पिछले दिनों। अब जनरल कैटेगरी के वो लोग जो अचयनित हैं और उनकी ओर से एक याचिका दायर की गई है और कहा गया है कि आरक्षण का लाभ डबल उठाया जा चुका है, लिहाजा अब आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरीके से अब सब कुछ इन विसंगतियों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला आना रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में क्या निकल कर आएगा, इस पर आई इंडिया की नजर रहेगी। इस मामले को लेकर लगातार हर एक स्टेप बाय स्टेप जो भी इस मामले में आ रहा है आई इंडिया आप तक घर बैठे पहुंचाने का काम करता आ रहा है और आगे भी इस पर आई इंडिया की नजर रहेगी। जैसे ही इस मामले में कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आई इंडिया आप तक पहुंचाने का काम करेगा। बिल्कुल, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो है जो भी अपडेट आएगी आई इंडिया विश्वसनीयता के साथ अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद जिलों में लगातार आंदोलन चल रहा था और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया। अब यह केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जनरल अभ्यर्थियों की तरफ से विनय पांडे और शिवम पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। ओबीसी अभ्यर्थियों ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट डाल दी थी। इस तरह शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं। फिलहाल इस तमाम जानकारी में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।